अगला सवाल है क्या इस्लाम में लड़के और लड़की के बालग होने की उम्रें अलग अलग हैं अलग अलग तो लड़कों की आपस में भी अलग अलग हो सकती हैं लड़कियों की आपस में भी अलग अलग इसके लिए जो इजमाए उम्मत चलता आ रहा है ना यानी अमली तवातुर से साहबा ने ताबइन को सिखाया ताबईन ने तबा ताबीन को इस तरह चलता रहा अदीस भी मौजूद है लेकिन ये तो कोई इख्लाफी मसला नहीं है अख्तिलाफी मसले पर दलील की जरूरत होती है इजमाया है कि जब अम बलुगत पाई जाएँ तो वो जवान होगा औरत के लिए बलुगत में से है मेन्सिस का यानी हैज़ का आना या जेर नाफ़ बाल और बगलों के बालों का उगना मर्द के लिए भी यही है या नाइट फॉल का हो जाना यानी जो एहतलाम हो जाना तो ये अलामत हैं किसी को तेरह साल में हो जाती हैं मर्दों में से बास को बारह साल में और आजकल जिस तरह की हमारी फास्ट फूड हैं और जो इस तरीके से बे के ऊपर मबनी चीज़ें आ चुकी हैं लोग जल्दी एजुकेट हो गए हैं दस साल में भी लोग बाल हो जाते हैं अरब गर्म मुल्कों में लड़कियाँ तो आठ नौ साल की भी बालग हो जाती हैं खुद आयशा के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है कि निका उनका नाबालगी की हालत में हुआ था छः साल में और रुखसती नौ साल में हो गई थी तो नौ साल में भी औरत तो जवान हो सकती है अगर उसके अंदर अलमात बलूगत पाई जाती हो अगर ना पाई जाती हों फिर जवान नहीं होगी लेकिन अलबा कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर कोई भी इलामत ज़ाहिर नहीं हुई तो अगर उसकी हम उम्र उस एज की बच्चियों में वो अलत पाएगी है तो वो भी अपने आप को बालिग तस्वूर करेगी और ज़ाहरा बलुगत की उम्र की इसलिए जरूरत है कि उसके बाद आप नमाज़ रोजा ये चीज़ें फर्ज हो जाएंगी इससे पहले सिर्फ तरगीब की हद तक है अब दौ में अदीस है ना कि जिसका बच्चा सात साल का हो जाए उसको नमाज का कहे और दस साल का हो तो मार के पढ़ाए ताकि आदत बने फ़र्ज तो उस पर साढ़े बारह तेरह साल या चौदह साल की उम्र में होगा बुखारी शरीफ में हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं गज़बा बदर के मौका पर जब मुझे जहाद के लिए पेश किया गया तो मुझे नबीलाम ने जहाद में जाने से रोक दिया क्योंकि बच्चों को इजाज़त नहीं थी और ग़जब अहद के मौका पर मेरी उम्र चौदह साल थी जब मैं पेश हुआ तो मुझे इजाज़त मिल गई तो इससे चौदह साल की उम्र बुखारी शरीफ से साबित होगी और ये चौदह साल कमरी इतबार से हैं हिजरी साहब से ये साढ़े तेरह साल ही ये, जो है वो ईसवी एतबार से ये ल्यूनर ईयर्स के से अगर वो चौदह साल हैं तो सोलर ईयरस के अतबार से साढ़े तेरह साल हमारे जो ईस्वी हैं साढ़े तेरह से के करीब यानी बन जाते हैं बास का चौदह भी हो सकते हैं पंद्रह भी हो सकते हैं फिर वो जो बुखारी मुस्लिम में इतनी डिटेल हदीस है जो बनू कुरैजा के बारे में जिन्होंने बदअहदी की थी तो उसमें अल्टीमेटली सादिबन मै से फैसला करवाया गया था क्योंकि यहूदियों ने कहा था जो ये फैसला करते हैं तो उन्होंने फैसला किया था कि इनके जो बालग लोग हैं वो कत्ल किए जाए औरतों और बच्चों को कैदी बनाया जाए तो सुना भी दऊद में डिटेल आती है बुखारी मुस्लिम में भी आता है एक सयाबी कहते हैं कि मैं उस वक्त यानी मैं नाबालिग था तो मैं बच गया और इसका तरीका ये उन्होंने कहा जी ए, मेरे कपड़े उतारे गए और मेरे जेर नाफ़ बालों को चेक किया गया तो नहीं उगे हुए थे तो मुझे बच्चों में शुमार करके छोड़ दिया गया और वो देखे स्याबी बन गए अगर वो ए, ए, दो एक डेढ़ साल का फ़र्क भी होता तो गए सन ठीक है क्योंकि बदहदी की सजा हुई थी ना वो मैंने से बनूक रेजा के ऊपर बोल चुका हूँ मुझे अब दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है तो बाल या नाइट का का वेट ड्रीम आना या औरतों के लिए का आना या बालों का उगना ये उनकी बरुआत की उम्र है जैसे ही बाल होंगी तो शरी अकाम उनके ऊपर लागू हो जाएंगे ठीक हो गया उम्र का डिसीन उन्होंने खुद ही कर लेना है अपने से ठीक हो गया अच्छा मैं इधर एक चीज क्लियर कर दू थोड़ी ये इंपॉर्टेंट है मैं उन माओं को कहूँगा कि जिनकी बच्चियाँ यानी दस साल क्रास कर रही हैं वो अपनी बच्चियों को पहले एजुकेट करें मैं शायद कोई ऐसी बातें करूँ जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है मैं ये नहीं कहता कि आप दो या तीन साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें लेकिन ज़रा इनसे पूछें कि सबक राम की चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह साल की उम्र में शादियाँ हुई हुई हैं हमारे चौदह पंद्रह साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं हम लोग तो नहीं थे मैं आपको कसम उठा के कहता हूं कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था और मुझे ये सारे मामला नहीं पता थे सिर्फ इतना पता था कि यानी कि ये बालिग हो गया बंदा और नमाज पढ़नी नहीं है मर्दो औरत का क्या रिलेशनशिप है ये मतलब सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी मुझे नहीं पता था जबकि आजकल तो लोगों को पता चल जाता है उस वक्त यूट्यूब नहीं थी ना एजुकेशन नहीं थी तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फ़ौरन एजुकेट करें होता क्या है ये बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ती हैं और फिर आपको पता है अचानक ही स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से ठीक है तो दस साल के बाद बच्चों के बैग के अंदर आप यानी वो साथ रुमाल या इस तरीके से अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए पैड्स आ गए एजुकेट करें बच्चों को और बच्चियों को दस साल की कोई बच्चियाँ तो मिच्योर हो जाती हैं और उनके पैड्स उनके एक या दो पैड रख के बच्चियों के भेजें यानी स्कूल में जब जाएं और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना ठीक है बात समझदार मिसें तो एजुकेट कर देती हैं लेकिन माँ बाप जो है वो बेचारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है आप ज़रा अपनी यानी जो शादी शुदा अपनी बीवियों से पूछें कि जब उनके साथ पहली दफ़ा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फ़लानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हुआ। और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है उसकी बजाय यार आप एजुकेट क्यों नहीं करते लोगों को और लड़के भी इसी तरीके से लड़के अगर बारह साल के हो गए हैं तो उनको सेक्स के मामले में इस हवाले से ज़रूर एजुकेट करते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको वो वाली एजुकेशन दें जो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को दे दी जाती है प्रैक्टिकली ठीक है मैं आप वर्ड्स में बात करता हूँ आप वो अली एजुकेशन दें कम अज कम उनको पता हो कि ये यानी नाइट फॉल कोई चीज़ है गुसल फर्ज होता है ये 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 अली एजुकेशन तो माँ बाप का काम है और फिर जेरनाफ बाल साफ़ करने या बगलों के बाल के बारे में बच्चों को तो नहीं पता होता और फिर बेचारे जिनको बिल्कुल एजुकेशन नहीं है वो फिर ऐसे ब्लेड भी इस्तेमाल करते हैं जख्मी कर बैठते हैं अपने आप को ठीक है बच्चियों को तो अमूमन थोड़ा बहुत माएँ समझा देती हैं क्रीम का यूज़ या जो जवान बच्चे हैं उनको तो नहीं कोई बताता कि इस तरह के खास रेजर मिलते हैं और आपने इस तरह करने हैं वो बेचारे फिर जो है ना वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में रहते हैं हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है बलोग की तो सर जो आप लोग अब आपकी औलाद है तो जब वो कुछ आपके साथ तमाशे हुए हैं ना अब आप अपनी औलाद के साथ तो वो रिपीट ना ना करें आप उन बच्चों का एजुकेट करें फ़ौरन एजुकेट कर दें तो मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची आलमोस्ट बारह साल तेरह साल की तो मेरी मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट क्योंकि वो मतलब वो आके व मुझसे तो नहीं डिस्कस करती तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया आज इसके साथ हो गया तो वो बच्ची फिर पूरे पूरे दिन रोती रहती हैं उनको तो पता ही नहीं कि यही मामला हो गए तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवियर यूज़ करें तो इस तरह बच्चों को एजुकेट करता है सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी ही है ना आपने आप नहीं देंगे तो वो YouTube से सीखेंगे और फिर वो बहुत कुछ सीख जाएंगे ठीक है तो आप पहले टर्न द टेबल ओवर करें उनको एजुकेट करें और इसको एज ए नेचुरल प्रोसेस बताएं कि ऐसा ही हुआ करता है और अरब के लोग सर एजुकेट थे वो बकरियां पालते थे बकरियों के बच्चे पैदा होते थे उनके छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाता था कि ये क्या बच्चे किस तरह पैदा होते हैं ये सारी चीजें उनको बचपन में एजुकेट होते थे और तभी तो यार तेरह तेरह चौदह चौदह साल के जो शादीशुदा होते थे यार वो अट्ठारह बीस साल की उम्र में तीन तीन चार चार बच्चे उनके हुए होते थे हमारे बीस साल के डगे ही होते हैं पता ही को नहीं होता किसी चीज का तो उस जमाने में चौदह सौ साल पहले ये एजुकेशन थी तो हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देते देनी चाहिए ये सेंसिटिव इशू है मैंने आज जुम्मन बात हुई तो मैंने कर दी मैंने एक प्लान बनाया हुआ है आप लोगों से शेयर कर देता हूं अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ दस साल से जो पंद्रह साल के बच्चे हैं ना उन बच्चों के लिए एक नशीत रिकॉर्ड कराऊं ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं ना उनके माँ बाप अगर उनको बताते हुए खुद शर्मा रहे हैं ना तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख लो जिसमें वसू गुसल तयम इसतंजा ये सारी चीज़ें जो नौजवानी की एज में जो ज़ाहिर है आपको हारमोन्स के चेंज के बाद कई कई इशूज़ का सामना करना पड़ता है उसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं किताबों में भी वजीब किसे कहानियाँ मिल रही होती हैं तो उसकी बजाय ना ये वाली एजुकेशन ज़रूर दे दी जाए ताकि वो बच्चे बेचारे इधर उधर चीज़ों के बारे में जलील ना हो इस लिहाज से वैसे हमारी जो तबलीगी जमात है या दावत इस्लामी जो तबलीगी तंजीमें बनी है ना इनकी बड़ी पॉजिटिवनेस है कि अब हमारे साथ भी ये हुआ है यानी मैं अपने बाल होने से पहले ही दावत इस्लामी के साथ अटैच हो चुका हुआ था तो यानी मुझे अपनी बालिंग होने की उम्र भी याद है छब्बीस मई उन्नीस सौ बानवे तो मैं एजुकेट हो गया था कि मैं दवत इस्लामी में था हम नमाज पढ़ते उससे पहले भी नमाज पढ़ते थे वजू गुस्ल ये सारी चीज़ें सीख ली थी तो इन तंजीमों का कम अज कम ये चीज तो एजुकेट वो कर देते हैं ना लोगों को इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम ये सारी चीजें कोड वर्ड्स में इतने तरीके से कि बस वो एक महजब अंदाज में पहुंचे बाकी तो उन्होंने सीखी जाना लेकिन जब सर वो खुद सीखेंगे ना सर फिर आपके लिए मसला खड़ा हो जाएगा फिर तो वो समझेंगे शायद हमने कोई नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है ठीक है उसकी बजाय आप उसको नॉर्मल चीज के तौर पर प्रेजेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये करना जरूरी है ये इसलिए मैं स्कूल्स और स्कूल्स कह लें या कॉलेज में सेक्स की जो एजुकेशन है इतने कंट्रोल दायरे में मैं इसका बड़ा सख्ती से हामी हूं इससे पहले कि बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन मैं वो वाली नहीं कह रहा एजुकेशन ये समझिएगा जाहिर जब एक दाढ़ी पकड़ी वाला नमाज पढ़ने वाला बंदा जो पूरी दुनिया में एक लीडिंग स्पीकर्स में से है दावत व तबलीग के वाले से वो ये बात कर रहा है तो उन सारी चीज़ों के साथ इसको कोई कट पेस्ट ना करे यानी मैं एक मामला उस तरीके से सामने रख रहा हूँ ठीक हो गया जी